प्रश्नावली 13.2 शुरू करने से पहले आइए कुछ घातांकों के नियम के बारे में पढ़ लेते हैं जिनका यूज अगली प्रश्नावली के अंदर होगा। सबसे पहले है ए एम गुणा ए एन, ए की घात एम गुणा ए की घात एन। जब हम यहाँ पर हमारे पास जब हमारे पास एक समान आधार हो, एक समान आधार हो और घातांक अलग अलग हों तो उनकी गुणा कैसे होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, आधार को लेंगे और दोनों घातांकों को आपस में जोड़ देंगे, m जमा n। जब हमारे पास आधार एक समान हो और घातांक अलग अलग हो और आपस में गुणा हो तो दोनों घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। सेकंड है am भाग में an। जब हमारे पास दोनों घातांक अलग अलग हों और आधार दोनों का एक समान हो और आपस में भाग हो, विभाजन हो, तो यहाँ पर आधार को लिखेंगे और घातांक आपस में घट जाएंगे, घातांक आपस में घट जाएंगे। आधार लिया जाएगा जो दोनों का आधार एक जैसा समान आधार है, तो आधार ए ले लिया हमने, जो आधार है वो ले लिया और दोनों घातांक आपस में घट जाएंगे। तीसरा है ए की घात एम की घात एन, यानी कि घात की घात, घात की घात, तो वहाँ पर दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, m गुणा n, ये हमारे पास हो जाएगा a की घात m n। नेक्स्ट है am गुणा bm, a की घात m गुणा b की घात m। यहाँ पर हमारे पास आधार है वो अलग अलग है और घातांक समान है, तो उनकी गुणा होने पर ये हो जाएगा हमारे पास ए बी की घात m। दोनों आधारों की आपस में गुणा हो जाएगी और पूरे के ऊपर घात m आ जाएगी। नेक्स्ट है a की घात m भाग b की घात m। यहाँ पर भी हमारे पास आधार अलग अलग हैं, घातांक समान है और दोनों आपस में विभाजित हैं, दोनों का आपस में भाग किया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा a बटे b की घात m, पूरे के ऊपर घात m आ जाएगा। नेक्स्ट है a की घात 0, a या किसी भी संख्या की घात, a या किसी भी संख्या की घात, किसी भी चर की घात 0 होगा तो हमारे पास आएगा 1। जितनी भी शून्य घात वाली संख्याएं होंगी उनका मान आएगा 1। तो हमने बारी बारी से सभी नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब इन नियमों का प्रयोग हम प्रश्नावली 13.2 में करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं प्रश्नावली 13.2 पर। प्रश्नावली 13.2 प्रश्न संख्या 1। घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। यहाँ पर हमें 10 पार्ट दिए हुए हैं घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए। जो घातांकों के नियम हमने अभी पढ़े हैं उनका प्रयोग करते हुए इनको सरल करना है और घातांकीय रूप में इनको लिखना है। पहला पार्ट है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8। यहाँ पर हमारे पास जो आधार है वो सभी का समान है, एक आधार, समान आधार वाली संख्याएं यहाँ पर हैं और इन सब के घातांक हैं वो अलग अलग हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, आधार को लिखेंगे और सबके घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, 2 जमा 4 जमा 8, ये हो जाएगा 3 की घात 14। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था घातांकों के नियमों में कि ए की घात एम गुणा ए की घात एन बराबर होता है ए की घात एम जमा एन, इसका यूज हमने यहाँ पर किया है। सेकंड पार्ट है 6 की घात 15 भाग में 6 की घात 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा, दोनों का आधार है वो समान है, तो 6 की घात 15 घटा 10, यहाँ पर घातें आपस में घट जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये भाग किए हुए हैं, दोनों संख्याएं भाग में हैं। घातांकिनी में पढ़ा था हमने कि ए की घात एम भाग ए की घात एन बराबर होता है ए की घात एम घटा एन। थर्ड पार्ट है 1 की घात 3 गुणा 1 की घात 2,
आधार समान है, ए की घात 3 जमा 2, ए की घात 5। क्यों? क्योंकि ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर होता है ए की घात m जमा n घातांक के नियम से। चौथा पार्ट है 7 की घात x गुणा 7 की घात 2। यहाँ पर आधार समान है, आधार लिखेंगे, ऊपर घातांक अलग अलग हैं, गुणा में है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 7 की घात x जमा 2 इस नियम द्वारा। नेक्स्ट पार्ट है, पांचवा पार्ट है 5 की घात 2 की घात 3 भाग में 5 की घात 3। अब यहाँ पर घात के ऊपर घात है, तो हमने नियम पढ़ा था कि घात के ऊपर घात हो तो घातों के आपस में गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 6 भाग 5 की घात 3। अब यहाँ पर हमारे पास आधार है वो समान है और भाग में है, तो हम लिखेंगे 5 की घात घातांक आपस में घट जाएंगे, 5 की घात 3 हो जाएगा इस नियम के द्वारा। छठा पार्ट है 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। यहाँ पर हमारे पास आधार अब समान नहीं है लेकिन घातांक समान है, ध्यान देना, यहाँ पर जो घातांक है वो समान है, आधार समान नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों आधारों को 2 गुणा 5 और इस पूरे की घातांक हो जाएगा 5। इसको हम ले सकते हैं 2 गुणा 5 10, 10 की घात 5। यहाँ पर हमने जो घातांक का नियम प्रयोग किया है वो है ए की घात m गुणा बी की घात m बराबर होता है ए गुणा बी की घात m। सातवां पार्ट है 1 की घात 4 गुणा b की घात 4। यहाँ पर भी हमारे पास जो घातांक है वो समान है, आधार अलग अलग हैं, तो ये हो जाएगा a गुणा b की घात 4। आठवां पार्ट है 3 की घात 4 की घात 3। यहाँ पर घात की घात है, तो ये हो जाएगा 3, आधार हमारा 3 है, घात के ऊपर घात हो तो घातों के आपस में गुणा हो जाती है, तो 3 की घात 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस नियम के द्वारा? कि ए की घात m की घात n बराबर होगा ए की घात m गुणा n। नौ का पार्ट है 2 की घात 20 भाग 2 की घात 15 और पूरे गुणा में है, पूरे के साथ गुणा में है 2 की घात 3। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास दोनों का आधार समान है और घातांक अलग अलग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 20 घटा 15। घातांक घट जाएंगे क्योंकि आपस में दोनों भाग में हैं, तो घातांक यहाँ पर घट जाएंगे, गुणा में हमारे पास है 2 की घात 3। ये हो जाएगा यहाँ से 2 की घात 20 घटा 15 5 गुणा 2 की घात 3। अब यहाँ पर दोनों का आधार है वो समान है और घातांक अलग अलग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 जमा 3, 2 की घात 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो घातांक का नियम यूज किया है, प्रयोग किया है, वो है यहाँ पर हमने नियम लगाया ए की घात m भाग ए की घात n बराबर होगा ए की घात m माइनस n ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर होता है ए की घात m जमा n। दसवां पार्ट है 8 की घात t भाग 8 की घात 2। तो यहाँ पर भी हमारे पास दोनों का आधार है वो समान है, 8 घातांक अलग अलग हैं और भाग किए हुए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 की घात t घटा 2। कौन से नियम से? a की घात m भाग a की घात n बराबर होता है a की घात m घटा n।